हेलो गाइज, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यह बताया था कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के टाइप्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेस्टिटिव रिप्रोडक्शन, इन सभी के मैंने टाइप्स और जो इनके डिफिनेशंस होते थे वो सब मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट्स में टोटल 4 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको ये बताया, जनरल चीज़ें आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेस्टिटिव रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो सेकेंड चैप्टर जो आपका है वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग क्रॉप जो है प्लांट। तो इसमें हम क्या जो है देखेंगे कि फ्लावर से जो है इसके कितने पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, किस नए अंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लावर। तो फ्लावर जो है जिसको हम पुष्प कहते हैं, ठीक। तो ये फ्लावर क्या करता है, फ्लावर फ्लावर में टोटल जो पार्ट्स होते हैं टोटल 4 होते हैं। तो फ्लावर्स एक तरह से क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लिए एक तरह से योगदान करता है। और मॉडिफाइड शूट फंक्शन एज रिप्रोडक्शन, मतलब एक तरह से पुष्प एक रूपांतरित प्ररो है जिसका यूज रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है। मतलब दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये फ्लावर जो है क्या करता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो फ्लावर्स टोटल जो है 4 टाइप्स के होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के 4 टाइप्स है, जिसमें आपका है कैलिक्स। कैलिक्स को हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, इसकी जो इकाई होती है सेपल, और सेपल को हम कहते हैं बाह्य दल। और दूसरा होता है जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर आप टी एस फ्लावर में आप देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर सबसे नीचे की ओर देख रहा है सेपल, तो हम कह सकते हैं कि जो बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल पुंज की इकाई सेपल है। सेपल जो आपको यहाँ पे डिनोट किया गया है, यहाँ पे जो है इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा टाइप्स है, दूसरा टाइप्स का नाम है कोरोला, और इसके जो इकाई होती है पेटल, और इसको हम कहते हैं हिंदी में दल पुंज, और इसकी इकाई को कहते हैं दल। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो सेपल, सेपल के जस्ट ऊपर जो है पाया जा रहा है पेटल, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से दल कहते हैं। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को कवर करने का काम कर रहा है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप टी एस ऑफ फ्लावर है इसको जो चारों तरफ से कवर करने का काम कर रहा है। फिर जो तीसरा होता है, जो तीसरा होता है एंड्रोसियम, ठीक है। तो ये एंड्रोसियम क्या होती है, इसकी जो इकाई होती है उसे हम बोलते हैं स्टेमन। तो उसको अगर हम हिंदी लैंग्वेज में कहें तो उसको पुमंग कहते हैं, और स्टेमन को जो है पुंकेसर कहते हैं। तो दैट्स मीन्स ये जो एंड्रोसियम है ये पुष्प का जो है नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या करता है, आगे चल के जो है यही एंड्रोसियम आगे चल के स्टेमन से एंथर का और एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करता है। तो और उसके बाद जो चौथा पार्ट आपका है, चौथा पार्ट जिसे हम बोलते हैं गैनोसियम, और गैनोसियम की जो इकाई होती है उसे हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। तो अगर हम इसे हिंदी लैंग्वेज में कहें तो गैनोसियम को हम जायांग कहते हैं, और कार्पेल या पिस्टिल को अंडप या स्त्री करते हैं। तो इसमें से इन चारों पार्ट में से जो जनल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वह 2 पार्ट्स होते हैं, थर्ड्स एंड फोर्थ। थर्ड्स जो है आपका एंड्रोसियम और गैनोसियम। थर्ड्स जो है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि गैनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो एंड्रोसियम आगे चल के क्या करता है, स्टेमन का फॉर्मेशन करेगा, या हम कह सकते हैं एंड्रोसियम की जो यूनिट है उसे हम स्टेमन बोलते हैं। तो ये स्टेमन आगे चल के क्या करेगा, एंथर का निर्माण करेगा, और यही एंथर आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ग्रेन, जिसे हम बोलते हैं परागकण। अगर हम बात करते हैं गैनोसियम, तो गैनोसियम की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं कार्पेल, ठीक, या हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका इसको हम क्या कहते हैं, मादा जो है मादा जनन अंग कहते हैं, किसके, प्लांट का। तो ये क्या करता है, इसकी जो इकाई है कार्पेल, तो कार्पेल के टोटल 3 भाग होते हैं। 3 भाग में जो है पहला होता है वर्तिकाग, दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है आपका जो है अंडाशय।
तो इसमें से जो वर्तिकाग्र होता है वह वर्तिकाग्र परागकण से आपस में संयोजन की प्रक्रिया करके एक तरह से पॉलिनेशन की प्रक्रिया को शो करता है। पॉलिनेशन दैट में हम ये कह सकते हैं, पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब किसी पुष्प का पॉलिन ग्रेन्स, जब किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुँचता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक, तो उस पॉलिनेशन के थ्रू जो एक नए पौधे का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ फ्लावर में देखते हैं तो सबसे पहले जो नीचे की ओर चारों तरफ जो नीचे की ओर आवरण पाया जा रहा है उसे बोलते हैं पेडिसेल, और पेडिसेल के ठीक ऊपर जो आवरण पाया जा रहा है उसे बोलते हैं थैलमस, जो कि सबसे टीएस ऑफ फ्लावर का सबसे निचला भाग होता है। फिर उसके बाद अभी मैंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो फ्लावर होता है, फ्लावर्स के टोटल चार पार्ट होते हैं, तो चार पार्ट से जो पहला है सेपल, सेपल दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपका कैलिक्स का है, कैलिक्स की इकाई को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स क्या होता है, थैलमस के ऊपर वाला भाग होता है। तो एक तरह से ये क्या करता है, टीएस ऑफ फ्लावर को कवर करने का काम करता है। ठीक इससे ऊपर जो है पाया जाने वाला पार्ट है उसे बोलते हैं पेटल। तो ये पेटल क्या करता है, एक तरह से ये भी जो है टीएस ऑफ फ्लावर को कवर करने का काम करता है। तो ये आपके जो है कैलिक्स और कोरोला दो पार्ट्स हो गए, ये इसके यूनिट्स हैं। तो ये यूनिट्स क्या करते हैं, एक तरह से फ्लावर्स को जो है कवर करने का काम करते हैं। ठीक, तो इस दोनों जो है ऑर्गन्स को, इस दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो पार्टिसिपेट कर लिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं जो थर्ड पार्ट्स है एंड्रोसियम, जिसको हम बोलते हैं पोमन, इसके इकाई है स्टेमन। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखते हैं तो जो आपका स्टेमन्स है, ये आपका स्ट्रक्चर पूरा जो होता है स्टेमन्स का। तो स्टेमन्स में कई संरचनाएं होती हैं, कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें जो चैन के फॉर्म में ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो वो हो गया फिलामेंट, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, फिर ठीक उससे ऊपर जो है किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एंथर, मतलब दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो है आपका स्टेमन्स, ये स्टेमन्स क्या करता है, आगे चल के जो है एंथर का फॉर्मेशन करता है। फिर यही एंथर आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, परागकण, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन्स। चलिए ठीक, ये तो इसके पार्ट्स हो गए एंथर और फिलामेंट्स ना। तो ये एंड्रोसियम, एंड्रोसियम से स्टेमन, स्टेमन से एंथर, तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है, नर जननांग पार्ट, मतलब पुष्प का नर जननांग पार्ट कहते हैं इसे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं इसे। ठीक है, अब जो फोर्थ आपका गाइनोसियम है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम की इकाई जो होती है कार्पेल, और कार्पेल में टोटल जो है तीन भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, स्टिग्मा, सबसे ऊपर की ओर होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो पोलन ग्रेन्स एक तरह से उड़ते रहते हैं, तो ये स्टिग्मा क्या करता है, एक तरह से उसको कैप्चर करने का काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो वो क्या करेगा, जब पोलन ग्रेन्स सिर्फ स्टिग्मा के साथ मिल जाएगा तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर लेगा। फिर अगर हम बात करें उसके नीचे की ओर जो संरचनाएं दिख रहे हैं उसे बोलते हैं वर्तिका, एक तरह से क्या करते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करता है वर्तिकाग्र को, मतलब पोलन ग्रेन्स को जो है अट्रैक्ट करने में। फिर उसके बाद ठीक उसके नीचे जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि स्पेरिकल शेप होती है, गोला जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं ओवरी ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। तो यही अंडाशय क्या चलेगा, अंडाशय आगे चल के जो है फ्रूट्स का निर्माण करेगा। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडाशय से किसका निर्माण होता है, तो आप प्रायोरिटी देंगे किसको, फल को, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक, तो ये ओवरी पार्ट्स हो गया। ठीक, ओवरी के ठीक नीचे जो पार्ट पाए जाने वाले भाग है उसे हम कहते हैं क्या, बीजांड, ओब्यूल। तो ये ध्यान दीजिएगा, ओब्यूल और ओवरी दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ओब्यूल्स क्या होता है, ओवरी के अंदर का पार्ट होता है, और ओब्यूल्स, ओब्यूल्स क्या होता है, आगे चल के जो है सीड का फॉर्मेशन करता है, बीज का निर्माण करता है, जबकि जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय क्या करता है, आगे चल के फल का निर्माण करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अंडाशय से जो है फल का निर्माण और बीजांड से बीज का निर्माण, दैट मीन्स इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि जो है ओवरी से जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन और जो है ओव्यूल से सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है टीएस ऑफ फ्लावर के स्ट्रक्चर थे, इसमें आपने इतनी संरचनाएँ देखी। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं टीएस ऑफ फ्लावर्स में जो
फ्लावर होते हैं, फ्लावर के जो चारों पार्ट होते हैं, चारों पार्ट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिसमें से जो आपका एंड्रोसियम और गनेशियम होता है वो क्या होता है, पुष्प का जो है नर जननांग तथा मादा जननांग पार्ट होता है। तो यही आगे चल के एंड्रोसियम और गनेशियम यही आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपका एक नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो एक नए पौधे का निर्माण तो करेंगे, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, उसके लिए उनको क्या चाहिए, इस स्टेमन से जो है एंथर का फॉर्मेशन होगा, फिर एंथर से जो है किसका फॉर्मेशन होगा, आपका पॉलन ग्रेन्स, और यही पॉलन ग्रेन्स आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, वह जो है स्टिग्मा के साथ संयोजन। तो ये आपका टीएस ऑफ फ्लावर्स है। टीएस ऑफ फ्लावर्स में हमने देखा कि पुष्प के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के टोटल चार पार्ट थे। तो चार पार्ट्स में चारों एक तरह से क्या करते हैं, फ्लावर्स को कवर करने का काम करते हैं। तो जो आपका एंड्रोसियम और गैनोसियम, ये क्या है, इंटरनल पार्ट है, किसका है, फ्लावर का। और जो आपका जो है कोरोला कैलिक्स है, वो क्या है, आपका एक तरह से एक्सटर्नल पार्ट है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। तो जो चलिए, तो यहाँ पे इन दोनों का मेन पर्पज क्या है, अगर एंड्रोसियम और गैनोसियम की बात करें तो आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को एक बार फिर से हम आपको बता दें, सबसे जो नीचे की ओर जो स्ट्रक्चर पाया जाती है उसे बोलते हैं पेडिसल, और पेडिसल के ठीक ऊपर जो संरचना पाया जाती है उसे बोलते हैं थैलमस, ठीक। फिर थैलमस, थैलमस से जुड़ा हुआ भाग जो होता है उसे बोलते हैं सेपल, जो पुष्प का पहला पार्ट होता है, और दूसरा आपका होता है पेटल, जो सेपल्स के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। मतलब दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या करता है, फ्लावर्स को कवर करने का काम करता है, ढकने का काम करता है। फिर उसके बाद जो है हम चलते हैं जो है एंथर और फिलामेंट की ओर। तो एंथर और फिलामेंट क्या होता है, एक तरह से आपका जो है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की कई स्टेमन्स, और स्टेमन्स क्या करता है आगे चल के जो है यही एंथर का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका नर जननांग पार्ट है, ठीक। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि जो है चौथा जो पार्ट है गनोसियम, जिससे हम बोलते हैं क्या, मादा जननांग पार्ट बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर बोलते हैं ना। तो इसमें ये क्या होता है कि इसमें कई संरचनाएं होती हैं, जो सबसे बीच बीच की जो संरचनाएं होती है उसे बोलते हैं ओवरी, ठीक ठीक। उसके ऊपर जो राड जैसी संरचना होती है उसे बोलते हैं स्टाइल, और जो सबसे ऊपर की जो संरचना होती है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। तो ये है आपके कार्पेल्स के ये तीनों पार्ट्स हैं, ठीक। तो ये स्टिग्मा आगे चल के पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एक नए पौधे का निर्माण करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी मैंने बताया कि ये ओवरी आगे चल के किसका निर्माण करेगा, फ्रूट्स का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये ओवरी आगे चल के जो है फ्रूट्स का निर्माण करेगा, और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल ये आगे चल के किसका निर्माण करेगा, सीड्स का निर्माण करेगा। तो ये आपके जो है थे टीएस ऑफ फ्लावर्स, ठीक। फ्लावर्स के टोटल पार्ट्स थे, कितने होते हैं, और ये कितने एक तरह से कैसे एक दूसरे से कवर्ड होते हैं, कैसे ढके होते हैं, कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर थे टीएस ऑफ फ्लावर। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि जनरल चीज़ें बताया फ्लावर के बारे में, फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये पार्ट क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम डिस्कस जो करने वाले हैं, ठीक है, एंड्रोसियम और गनेशियम, ठीक। तो एंड्रोसियम और गनेशियम को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक प्रोसेस बता दे रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में हमेशा दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला आपका होता है क्या, पॉलन ग्रेन्स, और दूसरा होता है आपका क्या, स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा एक तरह से क्या करते हैं, आपस में संयोजन, कॉम्बिनेशन, एक तरह से आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एंड्रोसियम आगे चल के पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करेगा, और गनेशियम आगे चल के स्टिग्मा का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में संयोजन की प्रक्रिया करके पॉलिनेशन की प्रक्रिया को शो कराते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो है एंड्रोसियम तथा गैनोसियम की इकाई स्टेमन्स और कार्पेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, क्या उस संरचनाएं के थ्रू कितने मियोटिक डिवीजन, कितने मिटोटिक डिवीजन होंगे, और कितने सेल का फॉर्मेशन होगा, वो चीज़ें आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जो है
स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल्स। ठीक है, थैंक यू।